नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 24 दिसंबर 2019 के। दोस्तों बड़ी अपडेट देखेंगे और उस समय बात करेंगे। लो आ गई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है दोस्तों? की यूपी टेट 2019 यूपी टीईटी की तारीख अभी तय नहीं है, संभवतः परीक्षा जनवरी में ही होगी। फर्जी खबरें हो रही है वायरल। तो दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट ये कि आपको फर्जी खबरों से बचना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग फेक न्यूज के शिकार ना हो, इसका आपको ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों आप काफी जगह देख रहे होंगे एक डेट वायरल हो रही है। दोस्तों कौन सी डेट, उसको हम दिखा देते हैं आपको कि एक ऐसा कुछ प्रेस नोट आपके सामने वायरल हो रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन दिनांक 29/12/2019 को होगा। तो दोस्तों कल हमने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था कि ये गलत है। कैसे दोस्तों? आपका जो ये ऑफिशियल प्रेस नोट था, देखिए दोनों की लिखावट में भी दोस्तों आपको जमीन आसमान का फर्क लग रहा होगा। पहला वाला देख लीजिए और दूसरा वाला। पहला वाला दोस्तों यहाँ पर यह आया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन दिनांक 22 दिसंबर 2019 को होना निर्धारित था, अपरिहार्य कारणवश उक्त परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। परीक्षा की अगली तिथि की सूचना यथाशीघ्र दी जाएगी। दोस्तों ये 20 दिसंबर को ये अपडेट आई थी रेणुका कुमार की तरफ से, अपर मुख्य सचिव है राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग की उत्तर प्रदेश शासन। तो दोस्तों ये अपडेट इसलिए आई थी कि आपका परीक्षा को निरस्त किया गया था उस समय, ठीक है ना। आपकी जो डेट मतलब एक्सटेंड किया गया या स्थगित हुई है परीक्षा। और दोस्तों देखिए जो बच्चों ने इसको कॉपी पेस्ट किया, देखिए सेम मोहर को दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये जो मोहर आपने देखा, आपने कल आपको दिखाया था कि दोस्तों जो ये देखिए आउटर लाइन आपको दिख रही है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको हम हटाते हैं, आउटर लाइन आपको दोस्तों दिखाते हैं क्योंकि काफी बच्चे अभी भी इसको लेकर कंफ्यूजन में है कि नहीं यार ये वाली सही हो सकती है क्या। अब दिखा रहे दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ये आउटर लाइन जहाँ पर हमारा येलो कलर का चल रहा है, ये आउटर लाइन आपको दोस्तों कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा नहीं यार आउटर लाइन। और दोस्तों यहाँ पर जरा देखिए नीचे वाले में, ये दोस्तों यहाँ आउटर लाइन दिख रहा है और ये भी आउटर लाइन है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो दोस्तों इससे आपको बिल्कुल प्रूफ होता है कि खाली मोहर को कॉपी करके अपने मन से कुछ भी लिख दिया गया यहाँ पर। तो दोस्तों आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है क्योंकि होता क्या ना, इससे आपकी मानसिक प्रताड़ना एक तरह से कह सकते हैं कि यार आप लोग सोचते हैं नहीं पेपर यही होगा 29 को होगा, ठीक है। जो बच्चे अपडेट बनाते हैं अब लग रहा है पर आपको देख के 29 को ही पेपर होगा, बिल्कुल दोस्तों सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया। तो इससे दोस्तों आपको बच के रहना है, ऐसी अफवाह से अगर आप नहीं बचेंगे तो आपका दिक्कत ये होगा कि आपका जो पेपर में ध्यान है तैयारियों में, वो ध्यान आपका बटेगा। अगर ध्यान बटेगा तो दोस्तों आपकी जो तैयारी जो बहुत ही अच्छी हो चुकी है वो दोस्तों खराब होगा। मतलब कभी लगेगा यार 29 को नहीं होगा, फिर 5 को होगा, 5 को नहीं तो 12 को, 12 नहीं तो 19 को। तो दोस्तों ये सब ऐसे गिरोह हैं, उनसे आपको बच के रहना, सावधान रहना। ये सब फेक न्यूज है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर सावधान रहना, नहीं तो आपका ही नुकसान काफी बड़े स्तर पर होगा। देखिए दोस्तों पहले आज की जो न्यूज पेपर में अपडेट आई थी उसको देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी पता चले कि आखिर आपका पेपर कब हो सकता है। और दोस्तों जो ये अफवाह चल रही और उससे भी वो बच्चे सावधान हो पाए। पहले दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट की, तारीख अभी तय नहीं है। देखिए दोस्तों पूरी अपडेट, सूबे में 22 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी स्थगित हो चुकी है, अभी नई तारीख का ऐलान नहीं हो सका है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग तरह तरह की तारीखें लिखकर दावा कर रहे हैं कि फला तारीख को परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि परीक्षा की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है, शासन से अनुमति लेकर इसका ऐलान करेंगे। यह कार्य 25 दिसंबर के बाद शुरू होने की उम्मीद है क्योंकि प्रयागराज में सोमवार को ही इंटरनेट सेवा बहाल हुई है। कुछ दिन प्रदेश के हालात का जायजा लिया जाएगा, संभवतः ठीक ना, संभव है कि परीक्षा जनवरी माह में कराई जाएगी। देखिए दोस्तों ये बात तो 100% श्योर है कि आपका पेपर जनवरी में ही होगा। जी हाँ दोस्तों 100% श्योर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपका फरवरी में आपका दोस्तों यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का और इंटर हाईस्कूल का सबके पेपर शुरू हो जाएंगे, फिर आपको सेंटर मिलने में दिक्कतें होंगी। जी हाँ दोस्तों, जो सेंटर आपका जाता है ना तो फिर दिक्कत काफी हो जाएगी। तो आपका पेपर किसी भी हालत में कोशिश किया जाएगा कि आपका जनवरी में हो जाए। देखिए दोस्तों पेपर कब तक हो सकता है, हम आपको बता देते कि आपका एक आपके साथ ही एक और टेट का पेपर कैंसिल हुआ था 22 तारीख को। ये टेट का पेपर था दोस्तों आपका आसाम का, ठीक दोस्तों। आसाम में भी दोस्तों टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला था जो दोस्तों 22 तारीख यहाँ पर डेट देखिए साफ साफ से हो रही 22 दिसंबर, लेकिन दोस्तों उस पेपर को आप 19 जनवरी 2020 कर दिया गया। जब आसाम के पेपर को दोस्तों 19 जनवरी 2020 किया जा सकता है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका पेपर भी उसी के आसपास हो सकता है, या दोस्तों कहें कि 19 जनवरी को भी आपका पेपर हो सकता है। ये 100% श्योर नहीं है दोस्तों, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 19 जनवरी, क्योंकि 19 जनवरी को आपका रविवार का दिन भी है, संडे का, और दोस्तों आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि तब तक पूरी व्यवस्था
सही ठीक ठाक कर ली जाए, क्योंकि अभी देखिए टाइम काफी है 19 जनवरी के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका पेपर 19 जनवरी के आसपास हो सकता है। देखिए दोस्तों कुछ बातें और हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि पहला सवाल ही हमारा ये था कि जाने यूपीटेट का पेपर कब हो सकता है। तो दोस्तों 19 जनवरी आप मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑफिशियल नहीं है अभी 19 जनवरी की 19 जनवरी को ही होगा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आपका पेपर 19 के आसपास हो सकता है। इसका प्रूफ ये है दोस्तों कि आपका आसाम का टेट भी 22 तारीख को होने वाला था जो कैंसिल हुआ, और उसका पेपर अब 19 तारीख को होने वाला है आसाम में। तो उम्मीद है दोस्तों आपका पेपर भी 19 जनवरी को हो सकता है। अब देखिए अफवाहों से रहना आपको सावधान, अफवाहें दोस्तों इतनी फैलती रहती है, देखिए कितनी अच्छी मुहर, मतलब यार कुछ भी दोस्तों, मतलब आजकल के बच्चे जो इतना दिमाग लगाते हैं ना, कहीं और दिमाग लगाए तो कितनी आगे जा सकते हैं, कि सेम टू सेम दोस्तों मुहर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और कुछ बच्चे उसको सही समझ के एक दूसरे ग्रुप में भेजना शुरू करते हैं और पूछते हैं क्या ये सही है, ये क्वेश्चन मार्क के साथ, कि क्या सच में हमारा पेपर 29 को होने वाला है जो यहाँ पर मेंशन है। देखिए जो आपका ऑफिशियल प्रेस नोट आएगा वो भी कुछ ऐसा ही आएगा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा ही कुछ ऑफिशियल वाला भी आएगा, लेकिन दोस्तों वहाँ फर्क ये होगा कि वहाँ पे कुछ आपके मुहर में आपको यहाँ देखने को चेंजेस मिलेंगे। बिल्कुल यार कोई बार बार एक जैसा साइन तो करता नहीं, डेट तो वैसे ही मेंशन है। तो दोस्तों ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर साइन, ये बिल्कुल ऑफिशियल होता है, डेट के साथ मेंशन किया गया, तो मतलब ये ऑफिशियल होता है सब कुछ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब अगली बार आएगा तो उसमें आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इन बच्चों से भी दोस्तों आपको सावधान रहना है कि ये जो फेक अफवाह फैलाते हैं आपको उनका हिस्सा नहीं बनना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, उनकी बातों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, तो दोस्तों वो क्या होता है, वायरल हो जाता है। बस दोस्तों हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी फेक न्यूज है दोस्तों, ठीक है, उसको आप लोग ज्यादा शेयर मत किया करिए। उसको एक काम कर सकते हैं आप लोग दोस्तों, जो भी आपके साथ के जो सबसे सीनियर हो या जो सबसे समझदार आपको लगता है कि हैं, उन्हीं को आप उस मैसेज को भेजिए और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये बात सच है। दोस्तों करते क्या है बच्चे कि सभी लोग के साथ शेयर करना शुरू कर देते, तो ये दोस्तों बात वायरल हो जाती है, और दोस्तों इससे नुकसान आपका ही होता है। देखिए काफी बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, देखिए पेपर की तैयारी करने वाले छात्र ध्यान दें, अब काफी बच्चे 29 दिसंबर की दोस्तों डेट समझ के तैयारी करना शुरू कर चुके हैं कि यार 29 को पेपर होने वाला है, अच्छे से पढ़ लो। जब दोस्तों 29 तारीख आएगी फिर उनको पता चलेगा आपका पेपर अब 29 को होगा ही नहीं, उससे दोस्तों आपका ही नुकसान ज्यादा हो जाता है। ये नुकसान होता है कि आपको बार बार ऐसा ही लगने लगता है, नहीं यार ये सब फेक है फेक है, तो उससे दोस्तों आपकी तैयारी में काफी ज्यादा असर होता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें। देखिए हम आपको एक और बड़ी अपडेट दें कि जब भी दोस्तों आपके ऑफिशियल डेट का ऐलान होगा 16 लाख बच्चों तक दोस्तों वो खबर को पहुंचाना पड़ेगा सरकार को। 16.45 लाख बच्चों ने, मतलब 16,45,000 बच्चे ने आवेदन किया था यूपी टेट 2019 के लिए। अब दोस्तों अब पहली बात तो ये यूपी टेट 2019 अब ये नहीं रहा, अब दोस्तों ये आपका बन चुका है यूपी टेट एग्जाम 2020, क्योंकि अब ये पेपर आपका 2020 में ही होगा। तो पहली बात आपको ये समझना है कि दोस्तों वो खबर 16 लाख बच्चों तक पहुंचेगी कैसे, तो सरकार दोस्तों उसके लिए क्या विकल्प चुनेगी। पहला तो न्यूज़पेपर, जी हाँ दोस्तों हर जिले के न्यूज़पेपर में ये अपडेट निकल कर आएगी कि आपका यूपी टेट का पेपर कब होगा। उसके बाद दोस्तों जो टीवी चैनल्स होते हैं, तो आपके जितने भी लोकल न्यूज हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको टीवी पर भी आ जाएगा कि आपका यूपी टेट का पेपर इस तारीख को होगा। और उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट, ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों एक अपडेट आएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग के यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों सबसे पहले वैसे हम लोग यूट्यूब पर आएगा, उसके बाद ही आपके न्यूज़पेपर तक पहुंचेगा, फिर टीवी तक पहुंचेगा, फिर आपके वेबसाइट तक पहुंचेगा। देखिए यूट्यूब वाले बच्चे क्या होते हैं, वो दिन भर लगे रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं आपके लिए दोस्तों दिन भर अपडेट ढूंढते रहते हैं कि कब अपडेट आए और हम कब आपको बता दें। तो जैसे दोस्तों अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। देखिए एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी कि अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सके परिषदीय शिक्षक, इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद वेबसाइट पर सिर्फ साधना देश ही खुल सका। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है ना, इस समय इंटरनेट भी काफी डाउन चल रहा है, और दोस्तों जो साधना देश की बात हो रही है इस समय आपका यूपी में ट्रांसफर वाली बातें चल रही है, ठीक है ना सर, कि अगर कोई शिक्षक कहीं और नौकरी कर रहा है, जैसे अगर आपको लखनऊ से प्रयागराज जाना है या प्रयागराज से लखनऊ जाना है या आगरा जाना है, तो आप इस समय ट्रांसफर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस समय साइट इतनी डाउन चल रही, वही बात यहाँ पर हो रही है कि तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सके शिक्षक। तो दोस्तों शिक्षक भी कोशिश कर रहे हैं यार कैसे हमारा तबादला हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पता है क्या, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी घर वापसी हो जाए। देखिए जब आप लोग की नौकरी लगेगी ना, तो आपको अब अपने जिले में नौकरी नहीं मिल पाएगी, पहली बात आपको ये समझना है। बहुत ही कम बच्चे दोस्तों ऐसे होंगे जो अपने जिले में नौकरी पा पाएंगे। देखिए होता क्या है ना, जब दोस्तों ये सब वैकेंसीज आती है तो आपको दूसरे जिलों में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब पहले दोस्तों ये होता था कि आप लोग यहाँ से डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं या बीएड कर रहे थे, तो दोस्तों आपको पहले वहाँ नौकरी दी जाती थी। पहले बीएड में तो दोस्तों ये रूल ही नहीं था, जब डीएलएड अकेले था तभी ये रूल था, जब से बीएड आया तब से दोस्तों आपका एक नया रूल आ गया, सुपर टेट का पेपर, उसके बाद दोस्तों आपकी मेरिट बनती है, उसी के अनुसार आपको नौकरी मिलती है। तो
थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो गया। और एक और बात बताते हैं, नई शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर क्या अपडेट है। काफी बच्चों के मन में एक ही सवाल आता है, नई शिक्षक भर्ती, न्यू शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। देखिए दोस्तों, हम आपको एक बड़ी बात बता दें, जब तक आपका यूपी टेट का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपका यूपी में, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी जिसमें कि यूपी टेट को मांगा जाए। तो उसके लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि यार यूपी टेट का पेपर स्थगित हो गया है, सी टेट हम भर नहीं पाए थे तो क्या हम शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका यूपी टेट का पेपर नहीं होगा तब तक आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, जब तक यूपी टेट का पेपर ना हो, ठीक है ना। यूपी टेट के बाद ही दोस्तों देखा जाएगा कि कैसे क्या होगा। तो बस थोड़ा और इंतजार दोस्तों करना है, जैसे कोई अपडेट निकल कर आएगी हम आपको अपडेट करते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों काफी बच्चे परेशान हो रहे थे कि अभी आपके तकरीबन 1 लाख शिक्षक भर्ती आने वाली है। 1 लाख में दोस्तों ये बात की गई थी कि 40,000 आप लोग की टीजीटी पीजीटी की आएगी, बाकी की सभी बच्चों के लिए रहेगी। देखिए जो क्या होता है, बीएड के बच्चे हैं वो सभी वैकेंसी में आपका आवेदन कर पाएंगे, वो पूरे 1 लाख शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों डीएलएड के छात्र सभी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें। और दोस्तों जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आप लोग अफवाहों से बचे दोस्तों, काफी ऐसी अफवाह फैल रही है, जैसे ये वाली अफवाह फैल रही है उसके बाद दोस्तों और भी फैल रही है, तो आप उससे बचते रहिए। तो आज आपकी 24 दिसंबर की हमने प्रॉपर अपडेट बनाई है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद आपको एक और अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।